हेलो दोस्तों, इंजीनियर दिलीप प्राक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमें यहाँ पे यूपीपीसीएल 2020 में एक्सपेक्टेड वैकेंसी JEE और TET2 के लिए कितना वैकेंसी आएगी उसके बारे में बात करेंगे, जो कि दो कंपनियां टेंडर के लिए है, जिसमें से देखते हैं यूपीपीसीएल कौन सी कंपनी सिलेक्ट करते हैं। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, जैसे ही टेंडर के संबंध में ऑफिशियल नोटिस आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसी के संबंध में एक वेबसाइट है आल एग्जाम रिव्यू, जो कि एक्सपेक्टेड वैकेंसी के बारे में बताइए। तो चलिए देखते हैं, यूपीपीसीएल अपकमिंग रिक्रूटमेंट ऑन बेसिस ऑफ टेंडर, यूपीपीसीएल विल बी रिक्रूट फॉलोइंग पोस्ट फर्स्टली। तो यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए 608 पोस्ट दिया है, और AO के लिए 30 पोस्ट, और असिस्टेंट अकाउंट के लिए 19 पोस्ट। ये आल एग्जाम रिव्यू की वेबसाइट पर है, जो कि एक्सपेक्टेड पोस्ट बताया है, और इसका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन अप्रैल मई में आ सकता है। तो चलिए आगे JEE और AE की देखते हैं। यूपीपीसीएल एक्सपेक्टेड अपकमिंग रिक्रूटमेंट, एक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट ऑफ AE और JEE एज ए फॉलोइंग। AE की वैकेंसी 150 से लेकर 200 आ सकती है, और इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जुलाई और अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं JEE की। तो JEE की यहाँ पे 300 से 500 वैकेंसी आ सकती है, और इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन मई जून में आ सकता है। तो दोस्तों, ये हाल एग्जाम रिव्यू एक वेबसाइट, उसके द्वारा एक्सपेक्टेड वैकेंसी के बारे में आप लोग को दिया गया है। जैसे ही टेंडर क्लियर हो जाएगा तो वैकेंसी भी पता चल जाएगी कितना आएगी। तो आप लोग को यही अपडेट देनी थी। तो आप लोग को अगर न्यूज़ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और दोस्तों, एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि टेक्निकल संबंधित कोई भी अपडेट, वैकेंसी या न्यूज़ हो, पहले आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। ओके, थैंक यू।